उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद थाना रामगढ़ पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। हाईवे पर लूट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों को पुलिस की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से नाजायज असलाह और चोरी लूट डकैती मोटरसाइकिल व रुपए बरामद किए गए। थाना रामगढ़ क्षेत्र के बाईपास पर चनौरा पुल के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने आगरा की तरफ से सिकोहाबाद जा रहे फौजी दंपति से अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर उनकी अपाची मोटरसाइकिल को लूट लिया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद हाईवे पर हुई लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की गई। पुल की तरफ से हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया तथा तीन बदमाश मौके से फायरिंग करते हुए अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग गए। ये थी हमारे संवाददाता विनोद कुमार गौतम की रिपोर्ट आगरा मंडल से इंडिया समाचार के लिए। पुलिस का किस तरह का खुलासा? देखिए, 8 तारीख को शाम को सुनील एक व्यक्ति हैं, उनकी मोटरसाइकिल छीन ली और पता ये चला कि 2 मोटरसाइकिल पे 6 लोग आए थे, छीन लिए। एक आध मोटरसाइकिल पीछे फॉलो भी कर रही होगी, छीन लिए। उसका शोर मचा सेट पे, हमें भी जानकारी हुई, मैंने इंस्पेक्टर को लगाया, अपनी चेकिंग लगाई। हॉट चेज में अमन नाम पे एक आदमी को पकड़ लिया हम लोगों ने, बाकी लोग भाग गए। उनसे हमने डेवलप किया, उनके भागे 2 साथी मोनू और दलवी भी पकड़ गए और 3 गाड़ियाँ हमने बरामद की उनसे। एक गाड़ी आपकी अपाचे पल्सर है, एतमादपुर आगरा में 395 धारा में IPC में मुकदमा दर्ज है, वो गाड़ी रिकवर हुई। एक रिफाइनरी में चोरी हुई थी, वो रिकवर हुई। तीसरी अभी कनेक्ट नहीं हो पाई है क्योंकि इसके 2 साथी अभी रह गए हैं, तो तीसरी भी कनेक्ट करेंगे। और इन्होंने 1900 रुपये अकमादपुर से किसी व्यक्ति का छीना था, राह चलते व्यक्ति का, वो भी रिकवर हो गया, वो भी मुकदमा लिखा हुआ है। तो ये 3 मुकदमे जो लिखे हुए थे ऑलरेडी, वो गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, मतलब दैट कन्फर्म्स कि ये जेन्युइन रिकवरी है। जब कहीं चोरी लिखी होती है, लूट लिखी होती है, वो गाड़ी मिलती है, तब हम मानते हैं कि हाँ ये सही वर्कआउट हुआ है और ये सही मुलजिम है। तो ये 3 मुलजिम अकाउंट फायर हुए हैं, अभी 2-3 इनके साथी और हैं, उनको हम रिकवर करेंगे, पकड़ेंगे और इस तरह से पूरा इनका गैंग वर्कआउट करके गैंगस्टर लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटरसाइकिलें छिनती रहती हैं, पहले लोग साइकिल चलते थे, अब सब मोटरसाइकिल चलते हैं, इतनी कॉमन हो गई है कि छिनती रहती है, लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन पब्लिक परेशान होती है छोटी मोटी गति। अब 1900 रुपये किसी का छिन गया, कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जिसका छिनता है उसे तकलीफ होती है। 19,000 अगर खर्च हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 19 रुपये भी गिर जाए तभी संतोष होता है, लेकिन कोई छीन ले तो बर्दाश्त नहीं होता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रसूलपुर की और रामगढ़ की। पूरी टीम को मैं 10,000 रुपये का इनाम देता हूँ और सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि इसी तरह से जो मोटरसाइकिल हैं, चैन हैं, छोटी मोटी टप्पेबाजी है, इनका पूरा नेस्तनाबूत कर दें। सर, इन अभियुक्तों का कोई पुराना इतिहास है? हाँ, इन अभियुक्तों का पुराना इतिहास भी है, अभी इनको खंगाला जा रहा है, अभी पूरी इनसे इंट्रोगेशन नहीं हो पाई है, ये पहले भी गए हैं जेल, सब कुछ कानून की परिधि में ला करके इनको कड़ा से कड़ा दंड दिलाने का प्रयास किया।